हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कराने उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अशासकीय स्कूलों को लेकर। तो अशासकीय शिक्षकों के यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं इसको बनाए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक में यहाँ पर सीधी जो नई भर्ती होंगी प्रधानाचार्यों के, इसमें यहाँ पर अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों को भी यहाँ अवसर दिए जाने की मांग उठाई गई है। तो यहाँ पर अशासकीय शिक्षक भी यहाँ पर प्रधानाचार्य बन पाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती के नियमों को लेकर यहाँ पर शिक्षकों में गुस्सा। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य पदों पर जो सीधी भर्ती आपकी होनी है इसको लेकर जो है नियमावली में यहाँ पर गुस्सा है। कहा गया कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली प्राथमिक शिक्षकों के हित में नहीं है और बेसिक शिक्षक योग्यताधारी होते हैं और वहीं यहाँ पर प्रधानाचार्य बनने की योग्यता भी रखते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है शिक्षा संघ के द्वारा। और इसको लेकर जो है उत्तराखंड में यहाँ पर गुस्सा छाया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर सख्ती, महंगाई, जो महंगी किताब है उसको लेकर शिक्षा विभाग ने यहाँ पर कार्रवाई करने के आदेश जारी करे हैं। कहा है कि कोर्ट के आदेश पर भी यहाँ पर जो है सख्ती नहीं हुई किताब है, तो यहाँ पर सस्ती नहीं हुई किताब है कोर्ट के आदेश के बाद भी, और यहाँ पर सरकार ने शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रत्येक स्कूल में अब जो है तैयार की जाएगी दीवार पत्रिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुस्तकालय और यहाँ पर दीवार पत्रिका के माध्यम से कर्नाली चीना ब्लॉक के यहाँ पर जो पढ़ने लिखने की संस्कृति को यहाँ फैलाने का उद्देश्य है। और वहीं यहाँ पर बात करें अब कोर्ट के आदेश पर भी यहाँ पर सस्ती नहीं हुई किताबें, कोर्ट के आदेश करने के बाद भी महंगी किताबें यहाँ पर बेच रहे हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है अभी तीन और भर्ती परीक्षाओं पर संदेह बरकरार। तो उत्तराखंड में और तीन भर्तियाँ यहाँ पर जो है ऐसी भर्तियाँ हैं जिन पर संदेह है और इन भर्तियों पर जो है अब कुछ भी हो सकता है। इसमें यहाँ पर बताया गया कि उत्तराखंड में छः छः भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद अभी भर्ती घपले का जो है पिटारा बंद नहीं हुआ है और अब भी यहाँ पर जो है इस कम से कम जो है तीन परीक्षाएं यहाँ पर संदेह के बादल मंडरा रहा है। तो तीन भर्तियां ऐसी हैं इन पर जो है अब वो भी रद्द हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर कई अन्य भर्ती जो है युवा सारे आम जो है यहाँ पर संदेह आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि बताया गया कई युवा जो है सरेआम जो है संदेह जताए जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर यूके ट्रिपल सी भर्ती विवाद के सामने भी यहाँ पर जो 2020 की जो कोर्ट लिपिक थी उसकी भर्ती विवाद में आ चुकी है। स्नातक स्तरीय भर्ती वो भी आपकी चयनित कोर्ट लिपिक जो दो कोर्ट लिपिक थे वो भी जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका लोक सेवा आयोग की ओर से सचिवालय जो APS भर्ती था उस पर भी संदेह जा रहा है। तो ये तीन भर्ती हैं जिन पर जो संदेह जताया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर नकल के आरोपी यहाँ पर इस पर जो अब तक छः परीक्षाएं हो चुकी थी रद्द। तो छः परीक्षाएं अब तक यहाँ पर जिन पर नकल आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक छः परीक्षाएं हो चुकी हैं। बीते यहाँ पर 6 माह के भीतर नकल के आरोप में यहाँ पर छः छः जो अलग अलग भर्तियां हैं वो रद्द हो चुकी हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तीन तीन परीक्षाएं यहाँ पर शामिल हैं। तो छः भर्तियां हैं जिनमें तीन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तीन लोक सेवा आयोग की भर्तियां रद्द हो चुकी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन परीक्षाओं को मिल चुकी है क्लीन चिट। तो इन पदों पर क्लीन चिट मिल चुकी है योग्यता प्रश्न विवाद के सामने पर। यहाँ पर आयोग ने अपनी लंबित सभी परीक्षाओं की जो है जाँच रिटायर्ड जो IAS अधिकारी थे SS रावत इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस पर आयोग ने LT शिक्षक भर्ती है और कनिष्ठ सहायक भर्ती है पुलिस रैंकर, इन सभी को हरी झंडी देकर नियुक्ति प्रारंभ कर चुके हैं। तो LT शिक्षक और कनिष्ठ सहायक इन और पुलिस रैंकर इन सभी में हरी झंडी मिलने के बाद नियुक्ति प्रदान भी कर दी गई है आयोग के द्वारा। और वहीं यहाँ पर JEE परीक्षा में नकल पर 61 अभ्यर्थी प्रतिबंधित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर JEE भर्ती में 61 अभ्यर्थी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और इसमें बताया गया कि AE की परीक्षा 9 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर नकल कर, AE की परीक्षा में भी यहाँ पर 9 नकलची पकड़े गए हैं। आयोग की ओर से यहाँ जो है इनको किया गया है प्रतिबंधित। तो इनके नाम हैं जो कि लगभग 61 अभ्यर्थी हैं उनके नाम प्रतिबंधित कर दिए गए, सार्वजनिक कर दिए गए हैं और 5 साल तक के लिए यहाँ पर जो है लगाया प्रतिबंध। तो 5 साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 44 अभ्यर्थियों ने यहाँ जो है नकल पुष्टि होने की थी हुई थी और पटवारी भर्ती में, तो 44 अभ्यर्थियों की यहाँ पर परीक्षा में नकल की पुष्टि हुई थी। लोक सेवा आयोग की जो है तीसरी भर्ती भी यहाँ जो है धांधली की भेंट चढ़ी। तो तीसरी भर्ती भी लोक सेवा आयोग की धांधली में भेंट चढ़ चुकी है, जिसमें AE और JEE परीक्षा में जो है सफल युवाओं को फिर देनी होगी परीक्षा। तो फिर से आपको री एग्जामिनेशन होने हैं, इसके लिए आपके डेट भी जारी कर दी गई है, अगस्त में इसकी दोबारा से परीक्षा आपकी होनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लोक सेवा आयोग की जो है तीसरी भर्ती भी यहाँ पर जो है धांधली की भेंट चढ़ चुकी है। इसमें यहाँ पर AE भर्ती में भी धांधली को लेकर बताया गया है और कुछ अभ्यर्थियों ने जो है SIT की जाँच में नकल की पुष्टि होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा यहाँ पर निरस्त कर दी है AE की, और इसकी जो अब परीक्षा होगी वो अगस्त माह में कर दी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर गंभीर तरह से नहीं
दिखाई गई उत्तर पुस्तिकाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गंभीरता से उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दिखाई गई। बाड़ीचीना JIC में बने परीक्षा केंद्र में ताले टूटने की घटना ने खोली सुरक्षा तंत्र और शिक्षा विभाग की पोल खुल चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा के जो पेपर थे उत्तर पुस्तिकाएं वो भी खुली हुई मिली थी, गंभीरता इसमें दिखी नहीं। पहले तो पेपर लीक होते थे यहाँ पर उत्तराखंड में भर्तियों के, अब यहाँ पर स्कूल के जो पेपर है वो भी लीक होने लग गए हैं। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल भवन नहीं बना तो शिक्षकों ने जो है स्वयं बनाया टिन सेट। तो शिक्षकों ने खुद टिन सेट बना दिया क्योंकि स्कूल भवन न होने की वजह से। शिक्षकों ने 22,000 जुटाकर जो है तैयार किया कमरा, और एक कैमरे में जो है एक कमरे में चल रहे हैं यहाँ पर दो कक्षा, एक कमरे में दो कक्षाएं चल रखी हैं। और वहीं यहाँ परीक्षा केंद्र है संचालक गिरफ्तार। तो यहाँ पर आयोग में एक और धनिया आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जिसमें यहाँ पर स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हरिद्वार में किराए पर ली थी लैब। तो किराए पर लैब ली थी उस पर जो है आपका यहाँ पर STM ने वन दरोगा भर्ती, इस पर जो है ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसकी धांधली को लेकर भी अभ्यर्थियों को पकड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आरोपी संचालक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। 316 पदों पर भर्ती आपकी हुई थी, जिसमें आपका यहाँ पर वन दरोगा में लगभग 85,000 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ था, और इसमें 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन किया गया था। और उसमें यहाँ पर जो है जो संचालक था जहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होना था उसके मैंने जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पर मैनेजर था उन्होंने यहाँ जो है परीक्षा में धांधली कराई थी। और UK CCC में जो है अब तक 56 गिरफ्तार यहाँ पर कर दिए जा चुके। तो बंदरगाह में भी एक और नया आरोपी पकड़ा गया है। बात करते हैं यहाँ पर सीधी भर्तियों में जो है शिक्षकों की खाली पद भरने के निर्देश। तो उत्तराखंड में सीधी भर्ती जिसमें यहाँ पर डॉक्टर धनसी राव ने बताया कि खाली पदों की भरने को लेकर जो है प्रस्ताव भेजने के दायरे, ताकि समय पर जो है विभाग यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर शिक्षकों को भर्ती करने का मौका मिल सके। इसके लिए यहाँ डॉक्टर धनसी राव ने कल बैठक की थी, और धनसी राव ने जो है यहाँ पर क्लस्टर स्कूल के भी यहाँ पर जो है मानक बनाने की यहाँ पर जो है बनाने की बात कही है। और यहाँ पर जितने भी पद खाली हैं शिक्षकों के उन सभी को भरने की बात कही, जिसमें आपके LT है, प्रवक्ता है, PRT, सभी पद खाली हैं उनको भरने की बात कही है। और वहीं बात करें यहाँ पर नकल की पुष्टि के बाद जो है उत्तराखंड AE भर्ती परीक्षा रद्द। तो यहाँ पर देखते हैं कि नकल की पुष्टि होने के बाद से उत्तराखंड में AE भर्ती भी रद्द हो चुकी है, अब अगस्त में होगी। तो अगस्त में होनी है फिर से, और पेपर लीक में जो है 9 अभ्यर्थी शामिल हैं, और यहाँ पर 61 अभ्यर्थी यहाँ पर 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। आयोग ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है, और यहाँ पर नोटिस जारी करा है कि अपना प्रत्यर्थी देने को लेकर, और नोटिस का जो है नहीं दिया जवाब। तो कई लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, तो 61 लोगों को अब यहाँ पर भर्ती में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं AE की भर्ती परीक्षा का जो डेट है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन अगस्त में होनी है, 13 से लेके 18 के बीच में, और इसमें अगस्त में परीक्षा कर दी गई है, और इन पदों पर होनी थी भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन पद इतने सारे पद थे जिसमें यहाँ पर भर्ती होनी थी, यही भर्ती धांधली की भेंट चढ़ चुकी है। पटवारी पेपर लीक में यहाँ पर जो है 2 दिन में हो जाएगा फैसला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पटवारी लीक वाले भर्ती पेपर लीक में 44 उम्मीदवारों का जो है अभी फैसला नहीं हो पाया है, और जल्दी यहाँ पर 2 दिन में आयोग कह रहा है कि हम यहाँ पर फैसला ले लेंगे। और वही बात करें यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती का विरोध। तो प्रधानाचार्य के पद पर जो है लगभग 900 के करीब पोस्ट आ रही है, उनका भी विरोध कर दिया गया है। और रिक्त पद के सापेक्ष यहाँ पर शिक्षकों की पदोन्नति की मांग कर रही है, और 55 व 35% को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से ही भरा जाए। तो कहा गया कि 55 व 35% पद को विभागीय पदोन्नति से भरने की यहाँ पे मांग करके क्रमशः यहाँ पर जो है LT है 55% और प्रवक्ता है 45%, इन पर जो है विभागीय पदोन्नति करने की मांग करी है। और मांगे ना मानी तो बोर्ड परीक्षाओं का जो है मूल्यांकन बहिष्कार, तो बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन बहिष्कार करेंगे शिक्षक। और यहाँ पर देखते हैं सीधी भर्ती आपकी आनी है, इसके लिए धनसी राव ने इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं जॉब बुलेट को लेकर आज की। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं हेयरटॉन में यहाँ पर 260 पदों पर कंप्यूटर प्रोफेशनल की पोस्ट निकाली गई है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 9 अप्रैल तक का। और यहाँ पर जो है SVNIRTAR यहाँ पर पोस्ट निकाली 24 पदों पर, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 13 अप्रैल तक का। और SSC CGL में 7,500 पदों पर जो है इंस्पेक्टर असिस्टेंट ऑडिटर अन्य पदों की पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 3 मई तक का, 100 रुपये का शुल्क देकर। साथ में इन पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी पोस्ट आपकी निकाली गई हुई है।